मंडी स्थित बॉयज स्कूल में चल रहे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना मेगा शिविर के तहत आज एनएसएस के छात्रों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता रैली का आयोजन किया। इस रैली में राज्य भर से आए एनएसएस के छात्रों ने स्लोगनों के जरिए लोगों को स्वच्छ रहने के फायदे बताए। वहीं स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर दिलीप ठाकुर ने कहा कि जो मेगा शिविर चल रहा है इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां छात्रों द्वारा की जा रही हैं। दिलीप ठाकुर ने कहा कि आज इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 780 स्कूलों में इसी तरह का आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने इस शिविर के सफल आयोजन के लिए शिक्षा निदेशक का भी धन्यवाद किया। आज यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना का जो राज्य स्तरीय मेगा शिविर चल रहा है 23 तारीख से शुरू हुआ और 27 तक चलेगा। इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश से जो चुनिंदा 71,000 में से 1,000 वॉलंटियर सेलेक्ट होकर यहाँ आए हैं और विभिन्न तरह की गतिविधियाँ यहाँ कर रहे हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो स्वच्छ भारत मिशन के प्रति है। लोगों को जागरूक करना है, स्वच्छता के बारे में बताना है, क्या फ़ायदे इसके, क्या नुकसान है, इसके बारे में एक जागरूकता रैली जो है ये निकाली गई है पूरे शहर में। उसके लिए जो ये जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, डिफरेंट टाइप के इनके कॉम्पिटिशन हमने रखे थे, स्वच्छता के अलावा रक्तदान शिविर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण से संबंधित जागृत लोगों को हमने किया है। हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में 780 स्कूलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसका सारा जो हमारा कार्यक्रम है पूरे भारतवर्ष में अव्वल नंबर पे हम चले हैं। इसका सारा श्रेय जो हमारी सरकार है, हमारे जो विशेषकर जो हमारे शिक्षा निदेशक है हायर एजुकेशन के डॉक्टर अमरजीत शर्मा जी, ये सारा श्रेय उनको जाता है, उनकी टीम को जाता है और जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स है या प्रोग्राम ऑफिसर है उनको ये कार्यक्रम जाता है। यहाँ पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसका सारा जिम्मा जो है यहाँ के स्थानीय पाठशाला के प्रिंसिपल है गवर्नमेंट बॉयज स्कूल मंडी के श्री परशुराम सैनी जी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं रखी है। उनको और उनके स्टाफ को और उनके कार्यक्रम अधिकारी जो एनएसएस के कपिल जी, उनको मैं ये बधाई देता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम जो है पहली बार मंडी में आयोजित हुआ है और ये बहुत ही सफल हुआ है। और जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, खासकर जागरूकता के, जो देश को मजबूत करने के लिए, देश को स्वच्छ करने के लिए और देश को अवेयर के लोगों को अवेयर करने के लिए, ये हम जो हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना है पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। 43 लाख वॉलंटियर इसमें आज एनरोल्ड हुए हैं। इनके माध्यम से हम जन जन तक जो पूरे भारतवर्ष में ये संदेश दे रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए एनएसएस के छात्रों ने कहा कि इस शिविर में आकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि इस शिविर में उन्हें हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी इस शिविर में सीखा वो अपनी अपनी पाठशाला में जाकर अन्य छात्रों को भी बताएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े। धर्मशाला से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, और एनएसएस आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे 5 दिन के लिए कैंप ऑर्गेनाइज हुआ जिसके अंदर हमें भिन्न प्रकार के कैंप्स वगैरह, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह की इंट्रोडक्शन हुई और हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। और यहाँ पे सुबह की 5:30 बजे उठा के मतलब व्यायाम वगैरह करवाना और उसके बाद कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह होना, ये बहुत ही अच्छा लगा। और इससे एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह की अराउज होता है बच्चे के अंदर और आगे जाके एकेडमिक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और साथ में ये सब बातें स्कूल में जाके भी बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो एनएसएस में। और मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे हमें डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ डेक्लामेशन डिबेट होते हैं और मतलब बहुत से कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब बहुत सारे, मतलब हमारे को इतने अच्छे मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है बोलने का, सीखने को मिलता है। यहाँ पे मतलब कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं है यहाँ पे कि जिसको मौका ना मिलता हो बोलने के लिए। मतलब सब बच्चे ऐसे हैं कि मतलब सबको कॉन्फिडेंस देता है यहाँ पे, मोटिवेट करते हैं। और ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।